हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सकते हैं हम लोग आए हैं दीक्षा भूमि घूमने के लिए और लोग सिग्नल में है उधर, और देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग आए हैं दीक्षा भूमि घूमने के लिए। तो पार्किंग एरिया है, हम लोग घूमने आए हैं। यहाँ हमारी प्यारी भाभी और वो है भाई, गया है गाड़ी पार्क करने, बेटा है और चाचा का लड़का है बेटा, देख सकते हैं। यहाँ दिख सकते स्कूटी नहीं डाली तो है। यहाँ का फेमस घूमने की जगह दीक्षा भूमि। हेलमेट कहाँ रखेगा? वहीं रख दो, नहीं आता। अरे रख दो ना, वहीं रख दो, आ जाता है। हाँ तो डाल दो। देखिए चारों तरफ अभी खाली है, अभी कोई, अभी सब बंद है, कोई साफ सफाई नहीं है, बारिश का समय है तो, बाकी वरना साफ सुथरा रहता है। अच्छा तो फ्रेंड्स, अंदर मोबाइल ले जाना अलाउ नहीं है, बट देखते हैं अगर मौका मिला तो हम अंदर का थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं चुपके से आप लोग के लिए ले रही हूँ, तो देख सकते हैं अंदर स्तूप के अंदर ये भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति है और ये चारों तरफ ऐसा बना हुआ है बैठने के लिए, लोग यहाँ बैठ के ध्यान लगाते हैं। देख सकते हैं यहाँ कैमरा चलाना मना है। देख सकते हैं यहाँ जो है ये यहाँ पे जो भिक्षुक आते हैं उन लोग को ठहरने की व्यवस्था की जाती है यहाँ पास, और यहाँ पे जूते चप्पल, यहाँ पे जूते चप्पल उतार कर और फिर जाना पड़ता है दर्शन के लिए वहाँ पे स्तूप के अंदर स्तूप। और यहीं पास बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपनी दीक्षा ली थी। बुद्ध जी का स्तूप, बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में सारी जानकारी है इसके अंदर दी गई है। अंदर जाएंगे तो आपको पता चलेगा। आप जब भी नागपुर आए तो यहाँ जरूर से विजिट करें। देख सकते हैं फ्रंट गेट से आने के बाद यहाँ से कुछ इस तरह से व्यू दिखता है। यहाँ बहुत से लोग फोटोग्राफी वगैरह करते हैं, फोटोज खिंचवाते हैं और यहीं से अंदर जाते हैं। देख सकते हैं आप लोग। देख सकते हैं इसके चारों तरफ पार्क है, चारों तरफ ग्रीनरी है और आजकल कुछ ज्यादा ही ग्रीनरी है क्योंकि ये घास की अभी कटाई नहीं करी गई है, इसलिए कुछ ज्यादा ही बड़ी बड़ी घास है आप देख सकते हैं। बाकी जब इसको साफ सफाई कर दी जाएगी तो बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। और यहाँ पे अप्रैल, अच्छा यहाँ का मेला कब लगता है? सुन ना, बता ना कब कब से शुरू होता है यहाँ का वो? 14 अप्रैल। 14 अप्रैल से कब तक रहता है? नहीं सॉरी, 14 सितंबर। 14 सितंबर से दशहरे तक। दशहरे तक यहाँ काफी भीड़ रहती है और काफी मात्रा में ऑल इंडिया का मेला रहता है, मतलब ऑल इंडिया से लोग बाग आते जाते हैं यहाँ पे और यहाँ रुकते हैं और यहाँ काफी रौनक रहती है। उस समय कॉलेज बंद रहता है और नागपुर यहाँ आने के लिए जितनी भी रहती, मतलब जो यहाँ आना चाहता है उनके लिए गाड़ियाँ फ्री रहती है। बस तो आप इस बीच में आना चाहे तो आ सकते हैं, बिल्कुल फ्री ट्रैवलिंग रहती है। तो देखा आपने, यही है दीक्षा भूमि का। आप देख सकते हैं एक गेट यहाँ से है और जहाँ से हम लोग एंटर किए थे यहाँ से सीधे ऐसा बिल्कुल सीधा डायरेक्ट और डायरेक्ट दीक्षा भूमि स्तूप के अंदर जाने का गेट है डायरेक्ट। क्या हुआ?
कटिंग फटिंग नहीं हुई है, ताप वाप हुए हैं। देखो ये मियाँ, ये मियाँ बीवी दोनों डर के भाग गए, बोलते हम इसके अंदर नहीं जाएंगे, इसके अंदर जूजू घुसा होगा। ये वही दोनों है, राम और मनु, यहाँ कर रहे रोमांस, हम इनका ले रहे वीडियो। देखो इनको, ये हम लोग से चुप चुप के, कभी इधर मिल रहे तो कभी उधर मिल रहे। ये अभी लाइटिंग होगी ना तो अच्छा लग रहा है ना। मैं थोड़ी ये सब जो पार्टी है लाइटिंग, तू पीछे से जा रहे क्या? मैं ऐसे कर नहीं चाहूंगी, पकड़ो ना वो दे दो चलेगा। मजाक कर रहा है ऐसा कुछ नहीं, देख रहे हैं लाइटिंग से हो गई तो अच्छा लग रहा है। तो फ्रेंड्स अब हम दीक्षा भूमि से जा रहे हैं घर। घर जाते समय रास्ते में देखते हैं कुछ खाएंगे और उसके बाद सीधे जाएंगे घर। तो चलते हैं, देख सकते हैं ये यहाँ पे सिग्नल के पास में ये है, कितना सुंदर सा फाउंटेन है, काफी सुंदर सा लग रहा है। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वेट, क्योंकि हम लोग हैं ट्रिपल सीट और यहाँ पे था सिग्नल, इसलिए मैं उतर के इधर आ गए थे, वो लोग गाड़ी लेके आएंगे। तो फ्रेंड्स ये लोग बाइक लेके आ गए हैं और हम लोग चलते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारे घर से थोड़ी ही दूर पर एक छोटी सी चौपाटी है, यहीं पर हम खाएंगे मंचूरियन और चाउमीन, उसके बाद जाएंगे सीधे घर। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में इतना ही था। अगर आप लोग को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और शेयर करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करिएगा, ताकि आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन ज़रूर से मिले। और अगर मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। मंचूरियन हो गया ना, तो डिसाइड ही नहीं करता क्या लेना है इनको। पिज्जा दो फ्लेवर मंगा लेते हैं ना, एक तुमने चीज पिज्जा मंगाया, एक और कौन सा मंगा लेते हैं, एक पनीर कला।